ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, काफ़ी लोग आज कोरोना से जूझ रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये डर है कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। काफ़ी लोग फर्स्ट स्टेज में भी जा चुके हैं कि उनको थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खरखराहट या सर्दी बुखार आ चुका है। और कुछ लोग ऐसे भी पोजीशन में जा चुके हैं कि जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के वीडियो आखिर तक देखें कि अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप क्या चीज़ें खाएँ ताकि वो ना हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अगर हो गया है सर्दी बुखार खांसी जैसी चीज़ हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। और फाइनली अगर ब्रीदिंग में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसको अगर आप करते हैं तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही अपना इलाज कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या चीज़ करेगी अगर आपको कोरोना नहीं है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। तो आप तो वैसे काफ़ी वीडियोस देख ही रहे होंगे। विटामिन सी यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरा रूटीन है, डेली मॉर्निंग में मैं मौसम्बी का एक ग्लास जूस पी रही हूँ। उसके अलावा मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी के साथ आंवला थोड़ा सा लिक्विड डालकर या तो कभी नींबू का रस निचोड़कर वो गर्म पानी में ले रही हूँ। हर 3 घंटे में कोई ना कोई गर्म पेय मैं ले रही हूँ। जैसे कि एक ये गुड़ की जो टी है उसका कॉम्बिनेशन मैं बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कफ है वो कफ फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। ये फॉस्फोरस जो है वो गुड़ के अंदर पाया जाता है। तो आप पानी ले सकते हैं 1 ग्लास, उसके अंदर 2 चम्मच गुड़ डालिए, अदरक कूट कर उसमें डाल दीजिए। काली मिरी यानी पेपरिन इम्यूनिटी बढ़ाता है और थ्रोट इन्फेक्शन और कफ से बचाता है, वो इसमें थोड़ा सा एक चिमुट भरकर डाल सकते हैं आप। उसके अलावा हल्दी 1/2 चम्मच आप उसमें डाल दीजिए। और ये जो ड्रिंक है गुड़ वाला, इसको अच्छे से खौलाने दीजिए, गर्म होने दीजिए, 10 मिनट रखकर जैसे ये अच्छे से बॉईल होता है तो ये जो ड्रिंक है ये आप बाद में पी सकते हैं। इसको एज अ चाय के रूप में आप पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाल दें अगर आप चाय के शौकीन हैं तो। अगर दिन में 2 बार भी ऐसी चाय, गुड़ की चाय अगर आप लेते हैं तो ये नेचुरली कफ कट करता है, गर्म पानी के कारण थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होने देता। अब बात आती है ये तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत सारे प्रकार के हैं, मैं सारे प्राणायाम आपको नहीं बताने वाली, लेकिन हाँ एक खास प्राणायाम है जो आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली एक नहीं 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको अपनी मुट्ठी बांधनी है। सबसे पहले मुट्ठी बांधते हुए आपको ब्रीद इन करते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है। अब जब आप हाथ को ऊपर ले जाते हैं सांस अंदर लेते हैं और हाथ को नीचे लाते वक्त आपको सांस स्पीड से जोर से छोड़नी है, फिर सांस जोर से लेनी है और सांस जोर से छोड़नी है। तो आइए इसको साथ में करते हैं। तो दोस्तों उठते बराबर इसको करिए। काफी लोगों को बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, फेफड़े कमजोर होते हैं, इस वजह से उठते ही उनको चक्कर आती है या बॉडी में पेन रहता है, अकड़न होती है नसों के अंदर। तो अगर आपको साइटिका, पीठ का दर्द या नसों में दर्द या आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है तो ये आपकी नसों को खोलने का काम करता है, प्लस लंग्स, हार्ट डिसीज और लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाता है। किसी को फिट्स का भी प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने के कारण आपको फिट्स का भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो आप ये प्राणायाम ज़रूर ऐड करें। इसको कितनी देर करें, इसको कंटिन्यूसली 1 मिनट तक करें, फिर रिलैक्स करें। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, खाना खाया है या खाली पेट है तो भी आप कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्राणायाम। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने मुट्ठी क्यों बांधी, तो भाई इसमें एक एक्यूप्रेशर पॉइंट की पद्धत भी छुपी हुई है। आपके हाथों में ही एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप दबाते हैं अलग से तो आपको एक एक पॉइंट के लिए अलग अलग हाथ के बुंदुओं को दबाना पड़ता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग जो एक्यूप्रेशर में मानते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे हाथों में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स का राज छुपा है। अगर इन पॉइंट्स को दबाया जाए या मसाज की जाए तो आपके बॉडी के उस ऑर्गन को ऑक्सीजन कंटेंट, ब्लड वॉल्यूम मिलता है। तो अभी जब हम मुट्ठी दबाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। मुट्ठी दबाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सबसे पहला इंडेक्स फिंगर है, मुट्ठी बांधने पर ये जहाँ टच होता है यहाँ पर होता है हमारा एड्रेनालिन ग्लैंड। तो एड्रेनालिन ग्लैंड जो है वो अच्छा वर्क करता है अगर इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट मिला तो। ये जो सेकेंड आपका उंगली है, लंबी वाली जो आपकी उंगली है, ये जहाँ पर टच हो रही है यहाँ पर है हमारा किडनी का पॉइंट। तो ये जब जहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर जब किडनी का पॉइंट दबता है तो आपकी किडनी अच्छा वर्क करती है।
जब आपकी रिंग फिंगर सगाई वाली अंगूठी जो है, ये उंगली जब जहाँ मैच होती है, जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो ये पॉइंट आता है, और यहाँ पर होती है आपकी पैनक्रियास। तो पैनक्रियास इसे वर्क करेगी, तो जिसको भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो इसे सॉल्व होगा। और फाइनली अगर मैं बात करूँ राइट हैंड की उंगली, तो राइट हैंड में यहाँ पर आपका होता है लिवर। तो ये उंगली जहाँ मैच करती है, यहाँ पर आपका लिवर का पॉइंट है। तो जब आप राइट हैंड की मुट्ठी बांधते हैं तो ये चारों ऑर्गन सिस्टम में चलते हैं, इनको ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड मिलता है। और वही मैं बात करूं लेफ्ट हैंड की, तो बाकी उंगलियां तो सेम है, लेकिन छोटी उंगली पर यहां पर हार्ट आता है। तो जब आप मुट्ठी बांधकर ये एक्सरसाइज करते हैं, या दिन भर में भी टाइम मिला तब मुट्ठी बांधते हैं प्रेशर के साथ, एक मिनट इसको बांधे रखते हैं 30 सेकंड के लिए, और जब छोड़ते हैं तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं। तो बार बार इसको करते रहे तो आपके जो इंटरनल मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर मिलेगा, ताकि वो अच्छा वर्क करते रहे। अब आते हैं हमारे सेकंड प्राणायाम की ओर, कि जो आपकी फुफ्फुस यानी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने हाथों को छाती पर रखना है और छाती को 2 इंच बाहर तक फुलाना है सांस अंदर लेते हुए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो छाती को 2 इंच अंदर तक लेकर जाना है, और इसको आपको स्पीड में करना है सिर्फ 45 सेकेंड यानी 45 सेकेंड्स। अगर आप इसको करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो लंग्स है उसका कैपेसिटी फूलता है, एलोवेलाई जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एकदम फैल जाते हैं, जिसके द्वारा आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता। सो इसको साथ में करते हैं, अपने हाथों को छाती पर रखिए और पूरी छाती को फुलाते हुए सांस अंदर लेना है, जैसे कि इसको 45 सेकंड्स कंटिन्यूअसली स्पीड में आपको करना है, और जैसे ही 45 सेकंड्स खत्म होते हैं आंखें बंद करके रिलैक्स करना है। तो ये 15 सेकंड जब आप रिलैक्स करेंगे, कुछ लोगों को चक्कर आएगी, कुछ लोगों को हल्का लगेगा, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ गया। तो ये बहुत ही दो एक्सरसाइजेस, दो प्राणायाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो कोरोना का जो फाइनल अटैक है वो नहीं आता, जिसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। ये तो रहा फर्स्ट सेक्शन। तो हमने देखा फर्स्ट सेक्शन में कि अगर आपको कोरोना नहीं है तो कौन सी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं ताकि आपको ना हो, जैसे कि विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए जूसेस पीना, गर्म पानी पीते रहना और गुड़ की चाय पीना, और फाइनली प्राणायाम जिसके द्वारा आपकी फुफ्फुस यानी लंग्स मजबूत हो जाए, और हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मुट्ठी बांध कर आते हैं। अब अगर ऐसा पॉइंट आ गया है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है, हल्की सांस दब रही, ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, तो क्या किया जाए? ऐसे टाइम पे आप प्रोन पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, स्लीपिंग ऐसी एक पोजीशन है, प्रोन पोजीशन, कि जिसमें लेटे लेटे आप बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है कि लेटे लेटे हम ऑक्सीजन बढ़ा लें? तो भाई वो इसलिए पॉसिबल है कि आप जानते हैं कि ब्लड का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। अगर हम ऐसा कुछ करें कि हमारा मैक्सिमम ब्लड फ्लो हमारे लंग्स की तरफ आ जाए तो मैक्सिमम ऑक्सीजन उसको नेचुरली मिलेगा। इसके लिए हमें करना ये है कि उल्टा लेटना है। आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बंदा उल्टा लेटा है, और उल्टा लेटे हुए उसने 3 जगह पर तकिए रखे हैं। सबसे पहला तकिया उसने पैरों के नीचे रखा है, जिससे कि पैरों का सारा ब्लड फ्लो ऊपर की बॉडी के हिस्से की तरफ आएगा। सेकेंड जो तकिया उसने रखा है वो उसने अपने पेट पर रखा है, ताकि पेट का भी सारा ब्लड फ्लो छाती तक जाए। अब बचा जो ब्लड फ्लो है यानी ब्रेन का, वो भी छाती तक जाने के लिए हमें एक तकिया सर के पास रखना है, और आप कंफर्टेबल होकर लेट सकते हैं। और इसको मिनिमम आपको 30 मिनट्स तक इस पोजीशन में लेटना है। नेचुरली इसी पोजीशन में लेटते ही आपको नींद भी आ जाती है, बिकॉज ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो हर 6 घंटे में 30 मिनट के लिए अगर आप ये पोजीशन करते हैं तो एक्चुअली बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। मुझे तो जब से ये पता चला है कि कोरोना की ऐसी स्थिति आ रही है, ऑक्सीजन की डिप्लिक्शन होती है, तो मैं तो एवरीडे ऐसे ही रूटीन में सोने से पहले 30 मिनट्स एवरीडे वैसे ही कर रही हूँ। तो आप भी राह ना देखें, इसको करना शुरू करें। अब फाइनली जिस बात में मैं आ रही हूँ वो है नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन योर हाउस। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर हो जो नेचुरली हवा देते रहे? तो यस, आप ये कर सकते हैं, लेकिन बिना सिलेंडर या बिना खर्चे के, बिकॉज एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 10,000 से 50,000 होती है। आप चाहें तो ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं घर के अंदर।
घर के बाहर के तो काफी प्लांट्स जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और तुलसी का पेड़ है, ये तीन प्लांट मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन कंटेंट बाहर देते हैं। लेकिन घर में कौन से प्लांट्स लगाएं? तो एक एक्समस कैक्टस करके प्लांट है जो घर के अंदर आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं, हॉल में भी लगा सकते हैं, 24 आवर्स ये आपको ऑक्सीजन देता है। सेकेंड प्लांट जो ज़्यादातर लोगों के यहाँ पाए जाते हैं वो है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट हर एक रूम में लगाएं, ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। फिर आता है पाम ट्री, एरिका पाम ट्री इसको कहते हैं, ये पाम ट्री मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके घर में फैलाता है। चौथे नंबर पर आता है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट ऑक्सीजन तो देता ही देता है घर के अंदर, कम सनलाइट में भी ये ग्रो करता है। और फाइनली इसके जो प्लांट की लीव्स होती है वो अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, इसका जेल लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तो आपको फेशियल बेनिफिट, फेस ग्लो होना और ऐसे फायदे भी अलग आपको टाइप के मिलेंगे। और फाइनली जो लास्ट प्लांट है जो आप लगा सकते हैं वो है स्नेक प्लांट। तो भाई ये 5 प्लांट है जो अगर आप घर के अंदर लगाते हैं तो घर के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन रहेगा। और बाकी जो मैंने प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट प्लस प्रोन पोजीशन बताई और विटामिन सी की कमी जो आप पूरी कर सकते हैं, लेमन और गुड़ की चाय पीकर आप अपना गला ठीक रख सकते हैं, ये सब फॉलो करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर पर रहे, इसको फॉलो करें और जिंदा रहे। जय हो, जय हिंद, जय भारत।